हाँ बेटा देख रहे हो। हाँ मैंने पहले पकौड़े की दुकान पे भी काम किया। मोरस वाली चाट आ गई है भाई। हा 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 हा। टाइम नहीं है भाईजान, उठो। टाइम नहीं है क्या तेरा? खाना वाना खा के शहरी का सामान हमने जमा कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। भाई आपका उठ चुका है और अभी भी भाई आ रही है नींद, और ये भी सो रहा है बराबर में। इसको देख देख के ज्यादा नींद आ रही है, तो यार जल्दी से उठ जाते हैं। भाई टाइम जो है ना आपके भाई के पास बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, और आपको दिखाता चलूं भाई 4:30 का टाइम हो गया है मेरे भाई, और 5:30 पे रोजा ऑफ होने वाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मजे में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है हमारी सहरी? जा रही है, जल्दी से लेके आ जाओ साथ में। भाई आज मैंने सारी चीजें खानी है, साथ जो है ना मैंने जो है वो फेनी शेनी भी खानी है, और पराठे भी खाने हैं। पराठे पता है कितने खाने? 2 या 4 पराठे लाजमी खाने आज। चार पराठे कम हो गई है ना खुराक मेरी, 4 पराठे तो एटलीस्ट बनते हैं, 2 अंडे बनते हैं, 2 ऑमलेट बनते हैं। ठीक है, सारी चीजें लेके आ जाए, जल्दी से आ जाए यार। इसको भी उठाते हैं भाई, और अभी जो है ना वालिद साहब भी हमारे आगे आए हैं। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैरियर से हैं? ठीक है, मजे में। भाई क्या है सहकार, आज जो है ना माशाल्लाह से 3rd रोजा हो स्टार्ट होने जाता है, तो सहरी का क्या प्लान है? प्लान ये है कि अभी आपके सामने लगेगा, खाते हैं। ठीक है, रोजा रखते हैं। भाई मैंने एक अब्बा जान को भाई सीक्रेट बतानी है, आपने जो है मंड के खाना है ना कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि भाई थोड़ा सा कमजोर भी हो रहा है, तो तबीयत भी खराब चल रही थी। तबीयत कैसी है? मैं एक पराठे एक अंडा। एक पराठा एक अंडा? आप एक पराठे के बजाय 2 पराठे और 2 अंडे कर दें। नहीं नहीं, मैं आपकी खुराक हो सकती, जवान आदमी, मैं तो बूढ़ा आदमी, एक पराठा एक अंडा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या भाई? बुढ़ापे में खुराक ज्यादा हो जाती है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ मैं? बुढ़ापे में ज्यादा हो जाती है, जवानी में कम हो जाती है, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है, होता है अक्सर, मगर ये कि मैं खैर ये एक पराठे से ज्यादा नहीं खाता। तो उठाओ 10-15 मिनट, कितने मिनट? अच्छा भाई वाले साहब ने बोल दिया टाइम कम है, तो भाई जल्दी से इसको उठाते हैं। क्या कर रहा है ये शख्स? हेलो भैया, रमेश भैया, टाइम नहीं है भाईजान, उठो। रमेश उठ गया भाई, टाइम नहीं है क्या तेरा? खराब है। एक काम करते हैं भाई, इसको उठाते हैं यार, उठ जा भाई, उठ गया। रोजा निकल जाएगा, सहरी निकल जाएगी, फिर अफ्तारी में मुलाकात होगी डायरेक्ट। चलो आपका भाई जो है ना अब किचन के अंदर घुस चुका है, हमने बोला जाए प्रिपरेशन तो देखें कहाँ तक चल रही है। तो भाई हमें जो है ना यहाँ पे एक खोलती हुई चाय देखी है, सिर्फ चाय बन रही है क्या सहरी में? और कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, अच्छा पराठे बनेंगे। टाइम तो हमारे पास बचे ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं मिल जाएंगे टाइम। अच्छा मिल जाएंगे भाई टाइम पर। अच्छा भाई पराठा जो है ना माशाल्लाह से भाई तैयार हो रहा है भाई, अंडे शंडे मेरे बना दिएगा। तकरीबन जो है ना मुझे 4 अंडों की जरूरत है और 4 पराठों की जरूरत है, बन जाएंगे? बन जाएंगे। अरे भाई माशाल्लाह यार, भाई भाभी तो बोल रही है यार बन जाएंगे पराठे, जितने भी खाने हैं ना खाओ, मंड के खाओ, बस ये है कि भाई नमाज भी पढ़नी है बीच में, ऐसा नहीं हो कि बस खा के जो है ना डायरेक्ट अफ्तारी में मुलाकात हो, ऐसा नहीं होना। पराठे वगैरह बन रहे हैं यहाँ पर, और जैसे ही ये अंदर आ जाते हैं ना दस्तरखान सेट हो जाता है, तो आपसे मुलाकात होती है अब डायरेक्ट दस्तरखान पे। भाई यहाँ पे वालिद साहब जो है ना भाई इसको उठा रहे हैं, लेकिन उठ ही नहीं रहा भाई। रूमी उठो, ये रूमी रूमी सुन रहे हैं आप? रूमी रूमी, ये रामेश को हम प्यार मोहब्बत से कहते हैं रूमी, इनका असल नाम है रूमी जो घर में चलता है। हेलो भाई जान, हो गया टाइम, आ जाओ। हाँ काम करते हैं। क्या तुम्हें सबको दिखाना है कि मैं उठ जाऊँगा ना? हाँ कैमरे को इधर लगाओ। हाँ सही है, और मेरा पूरा जिस्म दबाओ। ये कौन सा काम हो गया है? कैमरा साइड पे लगाऊं और पूरा जिस्म भाई का दबाऊं? बोला पूरा जिस्म दबाओ भाई, मलेशिया थोड़ी हूँ मैं भाई, पूरा जिस्म दबाऊंगा। बात तो सही है। चलो जल्दी से उठो, सहरी का टाइम जो है ना निकल जाएगा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और अगर एक बार सहरी का टाइम निकल गया ना, तो फिर उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। हाँ भाई यहाँ पे टाइम शाइम देखा आप लोग, यार तकरीबन भाई 5 बजने को है, और ये जवान का बच्चा जो है ना उठा ही नहीं है, फिर उसके बाद बोलेगा मुझे उठाया क्यों नहीं सहरी में। आ जाओ, चलो पानी शानी डाल दूंगा मैं लाके अभी, और ठंडा ठंडा हो रहा होगा इस टाइम पर तो पानी। भाई ये क्या पहना हुआ है आपने? ये क्या लगा हुआ है? अच्छा ये बालों के ऊपर बजाय टोपे के ऊपर कैचर लगा दिया है, ये नया स्टाइल है भाई, ये चेक करें। ये बालों के ऊपर कैचर नहीं लगा हुआ, ये जो लगा हुआ है ना भाई, ये टोपे के ऊपर कैचर लगा हुआ है कि देखे हम कैचर भी लगा के रखते हैं भाई, ये ऐसे ही हो जाता है रात में इंसान का। आप तो ये कंबल शंबल हटाओ ना भाई, ये आप कहाँ लेट गई हो? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, दस्तरखान लग गया है भाई, हमने तकरीबन जो है ना सेट कर दिया है। आज तो ऐसा लग रहा है भाई इन सारों को जो है ना 1, 2, 3 अब्बा तो जाग रहा है भाई, अब्बा का नहीं है कोई रोल इसमें। मैं एनी टाइम तैयार। अब्बा जो है ना एनी टाइम तैयार है भाई, इन सारों को जो है ना आपका भाई जो है ना एक एक करके मारे हैं।
भाई सुस्त मारे हैं ये सारे, सब सुस्त मारे ये सारे सुस्त मारे भाई, ये देख लो इन लोगों की शक्लें नोट कर लो। नहीं नहीं हमारा काम है। अच्छा भाई इन लोगों को जो ना जबरदस्ती जो ना उठाया जा रहा है और झंझोड़ के, भाई तीसरा रोजा है जल्दी से रख लो रोजा भाई, इसके बाद अल्लाह ताला जो है ना हम सबको नसीब फरमाए भाई रोजा रखना। आमीन। और नमाज भी पढ़नी है। यहाँ पर एक एक करके जो ना चीजें आना शुरू हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कीमा आ गया भाई, आलू कीमा ये आ गया भाई, कोई सब्जी आ गई है, दो आइटम तो भाई आ चुके हैं। मेरे अंडे कहाँ चलेगा, चार अंडे और चार पराठे मैंने आज छोड़ना नहीं है, मैंने आज सारा खा जाना है। चार क्या दस खाओ तो सही, खाने वाले ताकी नहीं तुम्हारी बात, खुराक ही नहीं है, खुराक कम हो गई है आप लोगों को देख देख के ना। तो चार अंडे जो है ना खाने और आज जो है ना चार पराठे भाई आपन ने, आफ्टर द मैरिज खुराक सही हो जाएगी। बस जल्दी से जो है शादी कर लेनी चाहिए, इसका मतलब मुझे वालिद साहब ने निकाल ली है। मुझे लग रहा है वालिद साहब को आज लग रही है भूख बहुत टाइट, ऐसा ही अबू खाना शुरू। हाँ अब्बा ने जो है ना भाई खाना फौरन शुरू कर दिया है, बोल रहा है इससे पहले चार चार पराठे कर रहा है, मैं दो पराठे खींच भी जाता हूँ। नहीं मैं एक पराठा। नली भाई जिनका इंतजार था उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया है, आ गए रामेश साहब, मिस्टर रूमी उर्फ मिस्टर रूमी, ये आ गए हमारे रामेश साहब। पराठे कहाँ हैं, आंखें देख रहे हैं कैसे, ऐसा लग रहा है रात को जो है ना टोपी दे दो मेरी टोपी जो है ना लगा देते हैं ताकि, और बड़े साफ सुथरे तरीके से आपके साथ में आते हैं कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना नमाजी और माशाल्लाह से नमाजी पढ़ने के नमाज पढ़ते हैं और माशाल्लाह नमाजी हैं। हाँ माशाल्लाह नमाजी तो है यार बहुत ज्यादा, और ये भाई तैयारी करने के बाद भी नमाज पढ़ने के लिए जाना है, टाइम नहीं है भाई हमारे पास, टाइम हो चुका है, पांच बज गए हैं, जल्दी से करो। चलिए बाहर वीडियो नहीं बनाना, बाहर वीडियो नहीं बनाना, लोग पकड़ के मारेंगे ये कर क्या रहा है। आके खोलो भाई, और ये निवाला उठा लिया रामेश भाई ने, और ये भाई ये बना रहे हैं, ये निवाला बना रहे हैं रामेश भाई, ये बना रहे हैं रामेश भाई निवाला, और ये बना लिया है, और ये फाइनली इन्होंने भाई मुंह में रख लिया है, और हम भी करते हैं इसको टक करके कंप्लीट, और आपसे मुलाकात होती है भाई सहरी करने के बाद इंशाल्लाह, नमाज पढ़ने के बाद ये मिले या ना मिले। बात बताऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, बिल्कुल आखिरी वक्त में सहरी करना अजानों के टाइम। ये शॉर्टकट तो मुझे पहले से ही पता है, जितना छोटा रोजा होगा उतना ही फायदा होगा। तुम्हारे को ऐसा लगेगा रोजा अभी भी शुरू हुआ है। अच्छा रोजाना यही टेक्निक अपनाते हो तुम। हम लोग करते हैं जल्दी से सहरी को डन, उसके बाद आपसे होती है मुलाकात। अरे आपका भाई 6 या 7 घंटे बाद उठ के आपसे मिलेगा। ओके 5 hours later टाइम बज गए भाई 5। तो भाई तुम लोगों का भाई यार उठ चुका है, लोग ये ना समझना कि रजा भाई आप दूसरों को बोलते बोलते जो है सहरी वहरी करके उसके बाद ऐसा सोए कि आपने नमाज ही सारी मुख दी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका भाई पहले ही उठ चुका था, नमाजें वमाजें सारी पढ़ी है, और अभी जो है ना व्लॉग श्लॉग को स्टार्ट किया है। ये भी मुझे देख रही है भाई, हेलो साहब जो है ना भाई इसके चारे में लगे हुए हैं, ये इसलिए हमें गौर से देख रही है कि भाई मेरा चारा खाली है, तो भाई हम लोग ऊपर जाएंगे छापा मारेंगे क्या प्रिपरेशन चल रही है अफतारी की। के साथ ही ये तोहफा मिला है, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है जाने का, लेकिन आपका भाई जो ना रास्ता ढूंढेगा भाई। हमारी अम्मा जान भाई अफतारी की तैयारी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जान मुझे लग रहा है कि आपने सारी जो ना सारा सब कुछ बना दिया होगा। मिर्ची को पकौड़े बनेंगे, मिर्चों के पकौड़े कौन खाता है भाई? मिर्ची के पकौड़े, पालक के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े। ओ माई गॉड, मिर्चों के पालक के, भाई आपका भाई जो है ना भर भर के जो है ना पकौड़े आज तो लग रहा है, सिर्फ जो है ना अफतारी में पकौड़ी बन रहा है? नहीं, और भी बनेगा सामान, रोल भी बनेगा। इन पे नजर रखनी है कि भाई क्या क्या बन रहा है, तो तुम लोगों को सारी चीजें दिखाते जाएंगे, और फिर अफतारी का टाइम भी करीब है। मौसम देखें कैसे समस्सी से, और आपको मैं ग्राउंड का व्यू दिखाता चलूँ। ये देखे भाई, ये हमारे ग्राउंड में जो है ना भाई स्टेशन चल रही है, मतलब पिच वगैरह जो है ना बन रही है, तो उसका सारा सामान जो है ना भाई, जबरदस्त मौसम हो रहा है, और भाई आपका भाई जब भी व्लॉग स्टार्ट करता है तो भाई ये जनरेटर स्टार्ट कर लेता है वो भाई जनरेटर बंद कर दिया कर यार, जब भी व्लॉग करा करूँ। अच्छा अम्मा कुछ बोल रही है मुझे, क्या बोल रही है? पालक के पकौड़े। क्या? पालक के पकौड़े बनाए जा रहे हैं। पालक जो है ना भाई अम्मा ने निकाल लिया है, बोले पालक के पकौड़े शकौड़े बनाएंगे आपके, जल्दी से पकौड़े बना लो, और क्या क्या उसके साथ जो है ना रूह अफजा वगैरह रख रहे हो? जी रूह अफजा भी रख रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो भाई रोजा आपका तुक मलंगे वाला रूह अफ़ज़ा, ठीक है, तो रोजा कैसा गुजर रहा है आप ये तो बताओ थोड़ा सा। अच्छा गुजर रहा है। ठंडा मौसम है। ना हमारे चिल्लाने पे भाई जनरेटर वगैरह सब बंद कर दिया है, तो भाई अजान की आवाजें आ रही हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है। आपका भाई नमाज पढ़ के आ गया था, ऊपर जाना है यार देखते हैं, और भाई एक बंदा मिला हमें और खामोशी से भागता जा रहा है, बोला मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा। अरे भाई जान इधर आओ, कहाँ जा रहे हो?
देख मेरे आने से तेरा व्लॉग जो है ना वायरल हो जाता है, इस वजह से मैं भाग रहा था। इसलिए भाग रहा था, बोला व्लॉग में आ गया तो ये भी वायरल हो जाएगा। मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई, अफ्तारी की तैयारियां चल रही है, ऊपर जाके देखे तो क्या बन रहा है। काम वाम करा लो, अम्मी अकेले काम कर रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी काम कर रही है अकेले। इसको पकड़ के लेके जाते हैं भाई, इसको जो है ईमानदारी बताऊं मैं घर में यार हूं ना, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब इफ्तार का टाइम होगा, तो मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आऊं। जब तक आज तुम करा लो जाओ, जब तक। अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं है नमाज वमाज तो पढ़ी है ना? ऐसा तो नहीं है शहरी में सोया था, आप उठ रहा है यहाँ पे? नमाज पढ़ के आया है। नमाज पढ़ ली आपने? माशाल्लाह भाई, मैं तो पढ़ के आया हूँ। नहीं माशाल्लाह, ठीक है भाई माशाल्लाह से। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सहरी करने के बाद जो सोएगा ना, उसके बाद जो है ना रोजे में उठेगा। इतना खा लिया था ना भाई, इसने पेट भर के खा लिया था कि भाई अब जो है ना सिर्फ अफ्तार नहीं खाना है। ये जो जो अभी वीडियोस देख रहे हैं ना, वो लोग भी खाते हैं, सब पेट भर के वो लोग भी खाते हैं। भाई पकौड़े छपौड़े बन रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। बस पहुंचो 5 मिनट भाई, यहाँ पे तैयारियां चल रही है। अम्मी क्या हो गया, तैयार नहीं हुआ अभी तक? क्या तैयार है? जल्दी से भाई, टाइम हमारे पास है ही नहीं भाई। बिल्कुल 7:45 हो चुके हैं टाइम पर। क्या कर रहे हो आप लोग? शरबत वरबत सब बन गया है भाई? सारी चीजें बन गई हैं एक एक करके जो है ना। ये क्या काट लिया भाई? भाई तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ ये क्या है। नौरस वाली चाट आ गई है भाई। हा 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 हा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, नौरस वाली चाट आ गई है। पकौड़े वगैरह का क्या सीन है? किचन में मारते हैं छापा। पकौड़े शकौड़े बन रहे हैं, बैगन के पकौड़े बन रहे हैं। ये तो वही वालदा जो काट रही थी बैगन के पकौड़े। हाँ अम्मा जो है ना भाई, गिलास जमा कर रही है जल्दी जल्दी। टाइम जो है ना नहीं है भाई, आप लोग जल्दी जल्दी लगाओ उसको। अब अम्मा जाने जा रहे हैं काम पे, लगा दिया। क्या बोल रही है? ये डालो बर्फ। बर्फ डालनी पड़ेगी? चलो भाई हम लोग जो है ना जग में डालते हैं भाई, जग में डालते हैं। बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर इफ्तारी का टाइम निकल जाता है तो क्या रोजा जो है खोल लेना चाहिए बंदे को या नहीं खोलना चाहिए? लेना तो चाहिए, फिर क्या करेंगे, क्या रखे रहेंगे 48 घंटे? नहीं तो अगर किसी का टाइम निकल जाता है, जैसे हमारे पास अभी बहुत टाइम शॉर्ट है और नहीं लगा है ना अफ्तारी, तो क्या करना चाहिए? नमक चाट लो। है नमक चाट लो? नमक चाट लो। और अगर जो सफर में है, जो बाहर है, वो किस तरीके से रोजा खुल जाए? नमक चाट लो, पानी पी लो थोड़ा सा। नमक भी ना हो अगर? पानी पी लो। पानी पी लो। और अगर पानी भी ना मिले फिर क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई आजकल दे देते हैं, लंच बॉक्स भी मिलते हैं रास्तों में। हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे बर्फ इसमें। चलो भाई चलो, तुम्हारे भाई से टूट नहीं रही है यार, इसको काम करते हैं भाई। इसको जो है ना एक एक करने के बजाय जो है ना इसको जोर से मारते हैं और ये खुद ही सारी निकल जाएंगी। ये अच्छा था। आपके भाई ने जो ना सारी क्यूब्स निकाल दी है भाई, इसमें डालते हैं। कलर का हो गया ये, और कलर रेड कलर का भाई, ये देखते हैं रेड कलर का। अम्मा बोली हुआ नहीं हुआ? ओए ये तो लाल हो गया, मतलब थोड़ा सा डालना पड़ेगा इसमें और थोड़ा सा भाई और डाल देते हैं। ओए 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 ओए, अब से आ गया और डालना है इसमें। ओए ओए, चलो चलो चलो। और यहाँ हमारी अफ्तारी का टाइम हुआ जाता है। रामेश भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने हाथों से। अफसोस, आपको बोला था ऊपर आके कुछ काम करा दो यार। तो आपका भाई तो इतने काम करता है, इसको क्या पता। आप लोग बताओ यार कमेंट में कितने काम आपका भाई करता है। अभी जो है ना प्रिपरेशन जारी है, बोल रहा है भाई मैंने नहीं छड़ना। सबके मांग रहे सारे कि भाई मैं बना लेता हूँ। मैं यार रुक जाओ, पहले कड़क तो होने दो। है चलो, कड़क कड़क चाहिए। चलो हाँ बेटा, देख रहे हो? मैंने पहले पकौड़े की दुकान पे भी काम किया। हाँ ये भाई इतने सारे पकौड़े ये देख रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई इतने पकौड़े बना रहा है ना, इससे ढेर सारे भर के पकौड़े और नीचे जो ना भाई ठेला लगा ले। क्यों ना हमने सब्जी का हर जगह पे ठेले की बातें क्यों कर देते हो? कभी घर में काम हो रहा है, ये घर की चीजें हैं भाई। आप भी कल के आओ, पकाओ इसके मेरे साथ का पांच दो आदेश के। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, आपका इंशाल्लाह कल से। अभी मैं जा रहा हूँ दस्तखान पे, जल्दी से पकौड़े लेके आ जाओ। आ जाओ, गर्मा गर्म गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी भाई, सब आ गए, वाले सब भी आ गए। मसाला डाला जा रहा है भाई, और हमारी वालदा जो है स्पेशल मसाला लेके आई है, लखनऊ वाला मसाला। आपने लखनऊ वाला पान सुना होगा, लेकिन लखनऊ वाला मसाला भी आ गया भाई। भाई ना रोल पहली नजर में ना 3 रोल रखे हुए और तीनों जो है साइड कर देने। पकौड़े बनाए, पालक के पकौड़े बनाए और पालक के चूरे के और मिर्चों के। ये रहे मिर्चों के, मिर्चों के पकौड़े भाई भर के बना दिए यार। इतने सारे मिर्चों के पकौड़े बना लिए, खाने के बाद पूरा समंदर का पानी पीना पड़ेगा। क्या कर रही हो आप? रूमी साहब के लिए पालक के पत्तों के। ये मिर्चे के पकौड़े खाता है ये? चलो भाई दुआ का टाइम हुआ जाता है और अजान का वक्त हुआ जाता है, दुआ मांगते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नमाज पढ़ने के बाद। चटनी ना केचप चाहिए है, मटर डाल।
मजेदार समोसे साइड कर लिए थे भाई। और ये हमारी अम्मा ने भाई मिर्चे बनाई थी, ये देख रहे हैं आप, ये कितनी हार्ड मिर्चे लग रही हैं, लेकिन आपका भाई जो नहीं मिर्चे खाने वाला है भाई। मिर्चे लग रही हैं, लग रही हैं। तो फाइनली आपका भाई नमाज पढ़ के आ गया है भाई, और जबरदस्त आज जो है ना एनर्जी देख ली होगी आपके भाई जो है ना, पहले कितना बुझा बुझा था और भाई अफतारी के बाद कितना जो है ना आपका भाई जो है ना हलचल में आया हुआ है। तो भाई पेट शेट जो है ना सारा भर गया है, पकौड़े शकौड़े ना हमने भाई छोड़े ही नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा भाई, कुछ नहीं मुका, सब जो है ना मंडे दी। अरे वालदा खड़ी है सामने, ये आगे व्लॉग के आगे खड़ी हो गई है। इसकी वजह मैं बताऊं आपको भाई, ये वजह ये है कि हमारा भाई जो सऊदीया गया था ना, आपने लास्ट व्लॉग देख लिया होगा, भाई ने वहाँ पे जबरदस्त व्लॉगिंग करी है भाई, आपको वो दिखाते हैं। पहले तो वो क्लिप लाइजा फरमाए आप लोग ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, रजी भाई के व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी वीडियो हम भेज देते हैं। आज हमारा पहला दिन था रियाद में, तो हमने रोजा वोजा खोल के अफतारी करके तरावी पढ़ के खाने भी निकले, खाना वाना खा के सहरी का सामान हमने जमा कर लिया है सुबह के लिए। इसमें फ्रूट्स हैं, दूध है, वो लेके हम जा रहे हैं। दूध को यहाँ पे लब्बन कहते हैं, तो ये भी एक अच्छा नाम है। ये होटल की एंट्रेंस आ गई हमारी, ये आ गई जी हमारे होटल की लॉबी, ये हमारा रूम है रूम 309, ये आ गया जो रोड में आपसे जिक्र कर रहा था, ये मेन रोड है सामने, और रोड क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास रात की जो लंबी वाली बिल्डिंग है वो है। आई डोंट नो यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है कि नहीं, एनी हाउ बड़ा अच्छा व्यू है वैसे देखने में। भाई जो है रियाद में घूम रहा है भाई माशाल्लाह से, और भाई ने नाम लिया है आप लोगों का, क्या रजा भाई अपनी फैमिली को दिखाएं आपके किस तरीके से आपका भाई पहुंचा और वहां पे किस तरीके से रह रहा है। वालदा कितनी खुशी मिलते हैं, अम्मी देखा आपने क्लिप देखा माशाल्लाह से कैसे घूम रहा है वहां पर। हाँ। तो खुशी का इजहार है आपको या नहीं? हाँ। है आप फालतू में गमजदा हो रही थी कि जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। साफ सुथरे इलाके में ऐसे वो रोड वोड भी साफ सुथरे क्लीन, कोई गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से वो रिलैक्स होके फिर रहा है। आप तो फालतू में परेशान हो रही थी पता नहीं कहाँ जाएगा क्या होगा, माशाल्लाह से भाई बहुत खुश है हमारा भाई, सूरज जगह लग रही है, बहुत खुश है यार। अल्लाह ताला इसी तरीके से खुशबाश रहे और जल्दी से जो है ना भाई पाकिस्तान इंशाल्लाह चक्कर लगाए। आपको छोड़ना नहीं है अहमद साहब, आप देख रहे होंगे व्लॉग, तो आपको हमें छोड़ना नहीं है, हम वीडियो कॉल पे इंशाल्लाह आपको व्लॉग के अंदर देते रहेंगे भाई। हमारे फैमिली का हिस्सा है रजा नदीम फैमिली का, तो आपको भाई व्लॉग के जरिए वीडियो कॉल पे शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी। हम लोग करते हैं यहाँ पे व्लॉग का एंड, तो भाई आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से रजा नदीम व्लॉग को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर आने वाला व्लॉग आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में 4th रमजान को इंशाल्लाह। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।